दिवाली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी शुरू कर दी है। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी है, जिससे दीपावली से अगले एक सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक एक मशीन लगाई गई है, जो दिवाली से एक सप्ताह पहले और दिवाली के एक सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी जाएगी। नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने दो मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में हल्द्वानी का जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया है, और नैनीताल में ये जो AQI थोड़ा कम है, यहाँ पे क्योंकि प्रदूषण की समस्या कम है, तो वहाँ पे जो 24 तारीख का AQI वो 61 दर्ज किया गया है, 25 तारीख को 63 और 26 तारीख को 68 दर्ज किया गया। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे करके जो है प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये दिवाली तक आने तक ये जैसे और सालों के में भी होता है कि ये बढ़ करके काफ़ी हल्द्वानी में तो काफ़ी 200 से ऊपर चले जाता है। तो इसके मद्देनज़र हम लोग थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम 29 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जिंगल हमारी हमने बनाई है, बोर्ड मुख्यालय से जिंगल प्राप्त हुई है और उसको प्रचारित करेंगे। कुछ हमने कागज़ तैयार टैबलेट तैयार किए हैं, उसको हम प्रसारित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि पटाखे अगर वो फोड़ें तो कम से कम ग्रीन क्रैकर का यूज़ करें या फिर थोड़ा कम प्रयोग करें, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या कम हो और उन्हीं को इससे सहूलियत मिलेगी। क्योंकि आप देखते होंगे वायु जिस दिन दिवाली होती है उसके अगले दिन भी कूड़ा कचरा बहुत पड़ा हुआ रहता है, सफाई करने के लिए भी सफाई कर्मचारियों को अगले अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी जनता से भी अपील रहेगी, आपके माध्यम से अपील रहेगी कि जितना हो सके वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करें।